ओके सो सॉल्व दिस क्वेश्चन. रिकॉर्डिंग में सबसे पहले लो बैटरी. So this time they are not saying the energy, they are saying find the change in energy. Okay, so change in energy is also same work done required to move something from one point to another point. So change in energy is simply work done to move from something from one point to another point. Okay. और work done का formula आप लोगों को पता है? What is the formula for work done? Force into displacement. ठीक है? अगर force constant हो तो, अगर constant ना हो तो integration करना पड़ जाता है, but just constant हो तो हम force into displacement कर देते हैं. देखेंगे अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा देन वी विल डू इंटीग्रेशन. फिलहाल के लिए हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा है. सो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, चार्ज इज गिवन. सो फोर्स विल बी क्यू इनटू ई नॉट. दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है? ओके. बट वी नीड एक्सटर्नल फोर्स. जो मैंने वर्क डन किया है तो मेरा फोर्स कंसिडर होगा ना. सो डू यू नो द रिलेशन बिटवीन दैट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड माई फोर्स? कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पता है तो मेरा फोर्स कितना होगा. सो ध्यान से देखते हैं. So we have not done work power energy. नहीं नहीं, मैं फोर्स की बात कर रहा हूं. इतना वर्क का तो एनर्जी फॉर्मूला सभी को पता है, आगे की बात करें. So, होता क्या है कि ऑन दिस बुक द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड. दिख रहा है? सो माय फोर्स ऑन दिस बुक इज इन विच डायरेक्शन? अपवर्ड. नॉर्मल फोर्स ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. या कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगाऊं. ठीक है ना? ऑलवेज इट विल बी अपवर्ड. इसको मैं इधर भी ले जाता हूं तो ऐसा ही होगा, इधर भी ले जाता हूं तो ऐसा ही होगा, ऊपर ले जाता हूं तो भी ऐसा ही होगा, और डाउन मूव करता हूं तो भी एक्चुअली ऐसा ही होगा. मेरा फोर्स हमेशा अपवर्ड होता है. इज इट क्लियर? बट सर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है बेसिकली. वो वेलोसिटी इज वेरी 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 स्मॉल कंपेयर्ड टू अदर थिंग. इन दैट केस मैग्नीट्यूड इज वेरी सेम. ओके, सो दो बातें क्लियर हो गई कि मैग्नीट्यूड विल बी सेम एंड डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट. सो ये तो फोर्स था इलेक्ट्रिक फोर्स का. So, मैं जो फोर्स लगाऊंगा दैट विल ऑल्सो बी सेम, उल्टा एंड इक्वल. माइनस क्यू बाई माइनस क्यू ई. ठीक है? सो द क्यू एप्सिलॉन नॉट ना सर? एप्सिलॉन नॉट कहाँ है? ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट. ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दिया हुआ है, दिस वन ई नॉट. गॉट इट सर. नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट. सो उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम ए टू टू ए. ऐसा है ना? ए से टू ए मूव कर दिया गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? टू ए माइनस ए. ए. ठीक है? सो इन टू ए. So change in energy will be minus q e naught a. Okay sir, got it. Okay, so सीखने को ढेर सारी बातें थी छोटी छोटी. कि work done हमेशा मैं अपनी तरफ से जो किया है वो कैलकुलेट करूंगा, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो किया. जब मैं इस बुक को ऊपर ले जाता हूं तो मेरा फोर्स अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, सो वर्क डन पॉजिटिव, तो इसकी एनर्जी इंक्रीज कर गई. ठीक है ना?
जब इसको मैं नीचे ले जाता हूं तो वर्क डन, सॉरी फोर्स अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड उल्टा है तो वर्क डन निगेटिव आ जाएगा, तो इसका एनर्जी घट जाता है। ठीक है, तो मैं अगर वर्क डन किसी सिस्टम पे करूंगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर मैं किसी सिस्टम पे निगेटिव वर्क डन कर देता हूं तो उसकी एनर्जी घट जाती है। ठीक है, क्या बोले, समझाओ ना सर वापस थोड़ा। एक्सप्लेन अगेन, डिस्प्लेसमेंट उन्होंने लिखा है ना कि वाई इक्वल टू ए से टू ए चला गया, सो ए से टू ए तक अगर मूव करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू ए। ठीक है, और वर्क डन इस तरह से निकाल लेते हैं। और अगर किसी सिस्टम पे हम पॉजिटिव वर्क डन करेंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और किसी सिस्टम पे अगर हम नेगेटिव वर्क डन करेंगे तो उसकी एनर्जी घट जाएगी। ये भी आपको समझ में आती है? चलिए, तो इतनी ही बातें हमने दिखा, बाकी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि हर क्वेश्चन में ये करना होता है, कि हमने फोर्स के लिए पहले अलग डिस्कशन किया, फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग इधर से डिस्कशन किया, दोनों की वैल्यू पुट की और फाइनली रिजल्ट आ गया। ठीक है सर, एक बात पूछना है सर। आप नेगेटिव वर्क डन बोल रहे हो तो इसका मतलब ये कि फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये आप कह रहे हैं? हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक ठीक है ना। सो यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन हुआ है, यानी एनर्जी उसकी घट गई होगी। यस सर, ठीक है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी इज एनर्जी, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फोर्स। सो एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमेशा आपका सबसे ज्यादा क्लियर होना चाहिए किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, एक्सेप्ट ऑप्टिक्स। सिर्फ ऑप्टिक्स इकलौता ऐसा टॉपिक है जो पूरे फिजिक्स से मैच नहीं करता है, उसको थोड़ा सा सेपरेट रखना पड़ता है। और रेडियो एक्टिव नहीं, रेडियो एक्टिव में एनर्जी खूब चलता है। ठीक है, तो पर ठीक है, आपको नहीं पढ़ना है लेकिन एनर्जी का वहां बहुत ज्यादा होता है। तो बाकी पूरा फिजिक्स में एनर्जी ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, जिस भी चैप्टर में आप होंगे एनर्जी की बात तो थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होगा ही होगा। ठीक है ना, क्यों ऑप्टिक्स में नहीं है? क्योंकि ऑप्टिक्स इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू फिजिक्स, इट्स समथिंग रिलेटेड टू ज्योमेट्री ऑफ रेज, रे डायग्राम। ठीक है ना, रियल में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट उनको हमने सिंप्लीफाई करके कुछ रे डायग्राम टाइप क्रिएट किया और ज्योमेट्री पढ़ते हैं, वहां ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। हाँ ठीक है, तो इवन वेव ऑप्टिक्स में भी कुल मिला के ज्योमेट्री ही पढ़ना होता है। ठीक है, सो इट इज एक्चुअली द ओनली टॉपिक व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिक्स, होल फिजिक्स में। हाँ, पूरे फिजिक्स मतलब बाकी सब डिफरेंट डिफरेंट तो है, लेकिन ये वाला जो डिफरेंस मैं बोल रहा हूँ एनर्जी की टर्म, ओके, वो सिर्फ आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मिलेगा। ठीक है, सो एनर्जी को हमेशा सबसे इंपॉर्टेंस देके पढ़ना होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम, शायद एक बात मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स से कम क्वेश्चन आते हैं। एनर्जी और फोर्स से, एनर्जी एंड पोटेंशियल से ज्यादा क्वेश्चन आए, क्योंकि एनर्जी इज मोर इंपॉर्टेंट देन। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। So, हमारे पास एक सिस्टम है विच इज हैविंग टू चार्ज। आपके दिमाग में आ रहा हो सर डायरेक्ट टू चार्ज पे क्यों चले गए, वन चार्ज पे क्यों नहीं, पहले वन चार्ज का डिस्कस करना चाहिए था, तब दो चार्ज पे जाते फिर तीन चार्ज पे जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग टू चार्ज की ही बात कर रहे हैं, तो उसका कारण अभी अभी आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, सो वी वॉन्ट टू फाइंड द एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, कि दो चार्ज सिस्टम का एनर्जी कितना है, और एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय कैलकुलेटिंग वर्क डन। अभी अभी थोड़ी देर डेफिनेशन पढ़ा कि एनर्जी ऑफ सिस्टम इज सिंपली इक्वल टू द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ओके, सो हेडिंग नोट कर लीजिए। कर लिया सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ टू चार्ज सिस्टम, ठीक है. सो वी हैव टू क्रिएट अ टू चार्ज सिस्टम. टू चार्ज सिस्टम मीन्स वन चार्ज इज दिस एंड अनदर चार्ज इज दिस. दो चार्ज है, इसका चार्ज लेट्स से क्यू वन है और इसका चार्ज क्यू टू है. सो दिस इज माई सिस्टम. इसका एनर्जी पता करना है. ओके, तो एनर्जी पता करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को यहां से हटाते हैं और भेज देते हैं कहां, इंफिनिटी पे. ठीक है, दोनों को पहुंचा दिया इंफिनिटी पे. नाउ वी विल ब्रिंग इट फ्रॉम इन. सो पहला चार्ज को इंफिनिटी से लेके आते हैं, लाके यहां पर रखे. एनी फोर्स? नो फोर्स, कहीं कोई फोर्स ही लगाने वाला नहीं था. तो पहले चार्ज को लाने में वर्क डन कितना होगा? जीरो. व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो फोर्स. कोई फोर्स ही नहीं था तो कोई वर्क डन ही नहीं हुआ, इसलिए सिंगल चार्ज सिस्टम का एनर्जी जीरो कहलाया. सर नहीं समझो सर. अरे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी? दैट इज इक्वल टू वर्क डन. या फर्स्ट चार्ज को जब मैं लेके आ रहा था तो आई जस्ट कैलकुलेटेड द वर्क डन by multiplying force into displacement, but force was zero. How so? Who will apply force on it? So because you are bringing, so you will apply, no? But why I will apply force? So you are bringing, no? So bring करने के लिए force किस लिए चाहिए? If you want to bring something, you don't need force. We need force. Why? What is the requirement of force to bring something? So, sir, how will we like break? Like, how will we carry it? Like, कैसे बताऊँ? हाँ हाँ, you need to tell this. That is the biggest problem in the students. They don't know Newton's first law. Newton's first law क्या कहता है? You don't need force to change the most state without if you don't want to change the state of motion. Yeah. तो आपको force की जरूरत ही नहीं है. वहां वो 0.000001 की स्पीड से चल रहा था, वो चलते 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 यहां पहुंच गया. ठीक है. एंड इफ यू वांट टू क्रिएट अ स्पीड ऑफ 0.0001, इवन इफ यू वांट की फोर्स चाहिए तो फोर्स विल बी क्या नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल से भी नेग्लिजिबल. ठीक है. ओके, जैसे उसको लेकर आएंगे, हु विल अप्लाई द फोर्स? दिस चार्ज विल अप्लाई अ रिपल्सिव फोर्स, सो आई नीड टू पुश इट. सो सेकेंड चार्ज को जब मैं लेके आ रहा हूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ा होगा. ठीक है. एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू दैट. ओके, क्लियर हो गया सर? अगर चार्जेस कम, मतलब अगर ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पुल करना पड़ेगा. हाँ हाँ, पुल मतलब पुल और पुश थोड़ा सा अजीब सा है, बट ठीक है, जस्ट ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा. और कैसे पुल और पुश होगा इसमें सर? हाँ, पुल और पुश नहीं बोल सकते, दैट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड. वर्ड आपको हमेशा वो यूज करना होगा जिससे चीजें क्लियर हो जाए. ठीक है ना? ओके, पर फोर्स लगाना पड़ेगा जैसा भी फोर्स हो. तो पहले तो इसका वर्क डन कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. बाकी यू कैन से कि सर अगर ऑपोजिट चार्ज होंगे तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, तो वर्क डन ऑपोजिट हो जाएगा, तो माइनस साइन आ जाएगा. ठीक है. सो अब सबको लिखते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया था, सिर्फ लिख लेना है. Second.
वर्क डन इन ब्रिंगिंग सेकेंड चार्ज. This time we can't just multiply the force into displacement. Why? Because the force will vary. जब दूर होंगे तो फोर्स कम होगा, जैसे जैसे नजदीक जाएंगे फोर्स बढ़ता चला जाएगा. इन ऑल दोज केसेस हम क्या करते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, उसके लिए फोर्स कॉन्स्टेंट रहता है, उठने के लिए वर्क डन निकालते हैं और बाद में उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं. ठीक है, छोटा सा वर्क डन निकालेंगे, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे. सो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना होगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डीएक्स, या डीएक्स नहीं लिखना चाहिए, डी आर इज बेटर. ठीक है, अब ये देखना है कि एफ एक्चुअली हमें पूरा ध्यान रखना होगा, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, ओके. अब लेट्स सी द डायरेक्शन ऑफ रेडियस एंड डायरेक्शन ऑफ एफ एक्सटर्नल. डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एफ एक्सटर्नल. सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि Q1 जो हमारा चार्ज था उसी को लेट्स एज्यूम इट्स ऑरिजिन. ठीक है ना, Q1 चार्ज को हमने ऑरिजिन मान लिया. So the direction of force applied by me is in this direction and direction of R is in this direction. ठीक है, force और radius का direction opposite आ रहा है. Okay, so the dot product will be force and radius का direction opposite आ गया, तो dot product will be F into dr. ए डॉट बी विल बी माइनस ए बी हो जाएगा. एंड एफ का मैग्नीट्यूड हम लोग को पता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, सो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बाहर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर डी आर. लिमिट चलिए अगले स्टेप में पुट करेंगे. सो माइनस के बाहर क्यू वन बाहर क्यू टू बाहर इंटीग्रेशन ऑफ आर, नहीं इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन आर स्क्वायर. आर कहां से लेकर आ रहे हैं और कहां तक लेके आना चाहते हैं. सो बहुत दूर से ला रहे हैं तो इंफिनिटी से ला रहे हैं, और कहां तक लेके आएंगे, आर तक लेके आएंगे. फाइनल डिस्टेंस भी आर ही मान लेते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होता है कि आप वेरिएबल भी आर ले लिए और फाइनल भी आर, वो रिजल्ट फिर से एक वेरिएबल ही बन जाता है. ठीक है, बस इंटीग्रेशन कर देंगे. सो माइनस के क्यू वन क्यू टू, सो वन अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद है किसी को, दिस इज माइनस वन अपॉन आर, माइनस वन अपॉन आर, या सो इंफिनिटी से लेके आर तक. सो देयर आर टू माइनसेस, सो कैंसिल कर दें. ठीक है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और लिमिट पुट कर देंगे. लिमिट पुट करने में मैं थोड़ा स्टेप गायब कर देता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं आंसर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर. ठीक है, लिमिट पुट करने के बाद यही आएगा. सो फाइनल स्टेटमेंट, एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना आया, W1 वन प्लस डब्ल्यू टू दैट इज इक्वल टू जीरो प्लस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, सर आपने ऊपर आर लिखा है. अच्छा आर लिखा है, ये गलत लिख दिया. ठीक है, आर लिखा है नहीं बोलना चाहिए आपको, आपको कहना चाहिए सर आर है.
मेरे लिखने से कुछ नहीं होता है ना, इट शुड बी आर, ठीक है। डन सर, डन। सो हम लोगों ने टू चार्ज सिस्टम का एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, ओके कि अगर किसी लोकेशन पे दो चार्ज हैं जिनके बीच का डिस्टेंस आर है तो उनकी एनर्जी निकाल सकते हैं। नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि सर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, Q1 Q2 हमने कहीं तो नहीं कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव स्पेशली उसी के लिए चलेगा, ओके अगर Q1 नेगेटिव हो जाएगा तो फॉर्मूला में वहां माइनस नेगेटिव पुट कर देंगे, Q2 नेगेटिव हो जाएगा तो उसके जगह नेगेटिव पुट करेंगे, इन ऑल द केसेस वी विल गेट द एनर्जी, ठीक है। पॉजिटिव वेरिएबल्स के लिए जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं सेम वैलिड होता है नेगेटिव के लिए भी, ठीक है। तो एवरीवन डन? यस सर। चलिए सो लेट्स मूव टू दिस। सॉल्व कीजिए फिर। बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से ज्यादा तो आप लोग क्वेश्चन कॉपी करने में टाइम लगाते हैं। हाँ, एनीवन टेल मी द आंसर। आंसर इज वेरी सिंपल सर, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है, मुझे लग रहा है रॉन्ग है। कितना आया सर? 27 × 10³। 27 × 10³ भी गलत है, थोड़ा सा गलती किया है, देखिए थोड़ा सा, बहुत माइनर मिस्टेक। 10⁶ होगा ना? That is also wrong. -3, 10⁻³। ठीक है, डन। ऑनलाइन एवरीवन मस्ट गाइड कर, नहीं आ रहा है, नहीं जम रहा है मतलब। क्यों नहीं बोलिए, आप जो जो बोलिएगा हम लिखते जाएंगे। एनर्जी is equal to, energy is equal to, क्या लिखा है जल्दी जल्दी बोलिए। K Q1 Q2 upon R। हाँ आगे बोलते जाइए आप, रुकिए मत सर। 9 × 10⁹ हाँ × 3 × 1 × 10⁻⁶ दोनों को मिला दिया सर, वो दोनों को मिला दिया तो 10⁻⁶ कैसे हो गया सर? -6 नो तो 6 और 6 12 हो गया ना। अरे हाँ समझा सर, ठीक है। एंड डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, सो दैट इज 27 × 10⁻³। 1 का स्क्वायर नहीं, ओनली 1। अच्छा 1 का स्क्वायर, आदत खराब हो जाती है। नहीं डन सर, डन।
अगला क्वेश्चन कोई नोट नहीं करेगा, सिर्फ आंसर बोलेगा, ठीक है? कहाँ गया? क्यों वो नोट नहीं? सेम ही है, पूरा कॉपी पेस्ट है, सिर्फ आंसर बताइए। सर -3 × 10⁻³। सॉरी, गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्लियर? सो -27 × 10⁻³, सेम ही था, एक चार्ज नेगेटिव हो गया। गलत, सो -27 × 10⁻³ अगेन, करेक्ट? नहीं सर, फर्स्ट में 27 था, इसमें माइनस है ना। ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 सेम आएगा, 27 × 10⁻³। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों का आंसर क्लियर है? हाँ सर। ओके, किसी को डाउट हो तो बोल सकते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन का क्या सर, सेम ही दिख रहा है। थर्ड ये था, सेकंड ये था, दिस वाज सेकंड, उससे सेम ही रहेगा ना दोनों का आंसर? हाँ, दोनों का आंसर सेम रहेगा। अच्छा, समझा सर। ओके, तो चारों केसेस क्लियर है कि दोनों पॉजिटिव हो तो क्या होगा, दोनों नेगेटिव हो तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, वो पॉजिटिव ये नेगेटिव, यस, इन ऑल द केसेस द एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड इजीली, ठीक है? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस मीन्स I don't know whether it's one charge, two charge, three charge, four charge, five charge, six charge, means for all these type of cases. So, सिर्फ लिस्ट बना लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। For one charge, for one charge. तो आप लोगों को पहले से पता है, सिंगल चार्ज के लिए जीरो, फॉर टू चार्ज सर K Q1 Q2/R, K Q1 Q2 upon distance between 1 and 2 को R12 लिखा है हमने, ठीक है? क्योंकि अब अगला में ढेर सारा डिस्टेंस आ जाएगा ना, जब तीन चार्ज हो जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन 1, 2 भी आएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 भी आएगा, डिस्टेंस बिटवीन 1, 3 भी आएगा। सो जस्ट टू डिफरेंशिएट आर अलग अलग लगा दो, और 3 चार्ज फॉर 3 चार्जेस, स्पेलिंग गलत है, सही कर लीजिएगा। ओके, सो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी यू विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 and 3 plus potential energy between 2 and 3. So for all individual pairs, we will calculate the potential energy and we need to just add them. यहाँ vector है नहीं, energy is a scalar quantity, so हमें vector के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। Now मैं शायद पहले भी बोल चुका हूँ कि whenever we are doing calculation for vectors, हम मैग्नीट्यूड का ध्यान रखते हैं, प्लस माइनस नहीं देखते, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कैलकुलेशन सेपरेट करते हैं। बट व्हेन वी आर डूइंग कैलकुलेशन फॉर स्केलर क्वांटिटी, वी ऑलवेज नीड टू टेक केयर ऑफ प्लस एंड माइनस, ठीक है? क्योंकि वहां अलग से कोई ध्यान रखने वाला नहीं बचा। सो स्केलर के कैलकुलेशन में प्लस माइनस का प्रॉपर ध्यान रखना होगा, ठीक है? So this will be equal to K Q1 Q2 upon distance between 1 and 2 plus K
1, 3 divided by distance between 1 and 3 plus K Q2 Q3 divided by distance between 2 and 3. Is it clear? Yes, sir. For 4, n charges का भी तो derive कर सकते हैं ना इसमें से. और 4 charges आपको समझ में आएगा क्या होगा क्या लिखेंगे? Yes, sir. ये सबसे important चीज़ ही होती है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, so u 12 plus u 13 plus u 14 plus u 23 plus u 24 plus u 34. डिटेल्स नहीं लिखेंगे. आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं डिटेल लिखना चाहिए, क्योंकि आपकी डिटेल लिखने में बहुत मेहनत लगती है. जस्ट दिस मच इज सफिशिएंट. फॉर 5 charges. There will be total infinity we have to do, na sir, if infinity charges. नहीं, infinity का आप नहीं कर सकते. Exam में no one will ask infinity. They will ask maximum up to 8. Okay? वो भी सिर्फ और सिर्फ symmetrical case. 7 they will never ask. 6 in most difficult will be the 6. ठीक है, if they will ask 6 different charges, that will be most difficult. 5 they can ask. 5 के लिए total 10 terms होंगे. आप लिखिए, बैठ के calculation कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत है लेकिन कर सकते हैं. 4 के लिए there will be 6 terms. बहुत easy है. तो 4 is easy, 5 is difficult, 6 is very difficult. 7 they will never ask, क्योंकि it's almost impossible to do. 8 they can ask. Okay, sir, 8 तो बहुत. By 7 they can't ask, sir. But 8 के केस में symmetrical system होगा, तो बहुत सी चीजें फटफट cancel होती चली जाती हैं और calculation बहुत थोड़ा बचता है. हाँ, क्या पूछा था? So why can't they not ask 7, sir? Yes, sir. इतने how many terms will be there? 5 में 10 हैं, 6 में 15 हो जाएंगे, 7 में 21 हो जाएंगे. So 21 terms calculation करना बहुत time लगेगा ना. ठीक है, got it. The question is you need to do 21 calculations. और 7 में symmetry नहीं बनाई जा पाएगी easily. Yes. So that's why they always. ये वो लोग बना सकते हैं ना symmetry? Maybe someday they will. If geometry का कोई rule नहीं होता है कि आप ये कर सकते हैं नहीं कर सकते. Geometry it's a game of mind. So, किसी के माइंड में अगर किसी दिन कुछ रात में उसे सपने में दिख गया कि दिस सेप कैन बी क्रिएटेड विद 7 चार्जेस, तो नेक्स्ट डे ही विल गो एंड पुट दिस क्वेश्चन इन एग्जाम. ठीक है, मतलब बैड लक ही है हमेशा वो दरी लगा. 7 अगर आ गया, क्योंकि वो एक तरह से एक इनोवेटिव सेप हो जाएगा ना, कि किसी के माइंड में कभी कोई बात आ गई और उसने क्वेश्चन पेपर में डाल दिया. अगर सपने में आ जाते तो बहुत बुरा है, फिर पेपर में वो लोग डाल. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज थिंक 6 एंड 7 दे विल नेवर आस्क. ठीक है, 6 पूछ सकते हैं पर पूछते भी नहीं है, क्योंकि उसमें भी अच्छा खासा कैलकुलेशन है, बट अप टू 5 दे कैन आस्क. क्लियर? सो एवरीवन कॉपी. यस सर. So solve this question. Question को अच्छे से लिखें, अच्छे से drawing बनाएं और अच्छे से question solve करें और मुझे correct answer दें. जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं. Answer must be correct. आंसर करेक्ट होने के लिए मुझे भी तो करना पड़ेगा.
हाँ आंसर में वो फ्रैक्शन में आंसर मत लाइएगा, सम डिवीजन, सम रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, जो भी आए आंसर उसी फॉर्मेट में, डोंट ट्राई टू डू फ्रैक्शनल कैलकुलेशंस। Is it minus 17 into 10 raised to minus 3? Is this the final answer? Anyone with answer? Sir, all last step, sir. One second, bus, please. Ho gaya. So, इसमें symmetry काम करेगा? नहीं, कोई symmetry नहीं लगानी है, चुपचाप जैसे बन रहा है बनाते। छह calculation कीजिए और just add. तो शॉर्टकट बताए सर, आपने बोला सर 90% केसेस में वो ट्रिक काम करता है। ये शॉर्टकट क्यों, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। शॉर्टकट वहां लगते हैं जहां क्वेश्चन थोड़ा दमदार हो। कितना तो वो आंसर है जो आपने लिखा है सर बोर्ड पर। हाँ दैट इज द आंसर, टुकड़ों में। हाँ डिजिट से ही चार होंगे, वन होगा, टू होगा, फाइव होगा और रूट टू होगा शायद, अगर मैंने भी गलती नहीं की। सो योर योर आंसर विल हैव फोर डिजिट्स विद सम मोर डिजिट्स, ठीक है, लेकिन उसमें वन होगा, टू होगा, फाइव होगा, रूट टू होगा। आपने ड्राइंग नहीं बनाई होगी, ड्राइंग किसने किसने बनाई, किसी ने नहीं बनाई। सर मैंने बनाई सर। तो ड्राइंग में कहीं रूट टू नहीं दिख रहा है? तो क्यों नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है सर अच्छे से, दिखा ड्राइंग में शायद दिखा। डायगोनल डिस्टेंस तो कैसे चार डिजिट में आंसर आएगा? नहीं नहीं डिजिट, देयर विल बी मोर डिजिट्स बट दीज फोर विल बी द इंपॉर्टेंट डिजिट्स। आप सॉल्व करो। हाँ करते हैं करते हैं, लेट्स लेट एवरीवन ट्राई। एक सेकंड सर प्लीज। अच्छा सब अच्छा है ना सर, वी हैव टू क्लासेस एवरी वीक आफ्टर। To become strong, you must know your weaknesses. So, जब भी आप कुछ गलत
कर जाते हैं या आपसे गलती हो जाती है, यू मस्ट नोट डाउन योर वीकनेस. क्यों गलती हो गई? नहीं समझ गए, पर फिर से वो कल वो फिर गलती करे. नहीं 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 बात वो नहीं है. द मिस्टेक यू डिड टूडे यू विल डू सेम मिस्टेक टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, एंड सेम मिस्टेक यू विल डू इन एग्जाम. सो आंसर किसी ने नहीं बताया. सर लास्ट सर एक सेकेंड, मैं तो एक लाइन में आंसर निकाल दूंगा. फिर एक लाइन लिखने में आपको क्यों है? हैं? हाँ एक लाइन का कैलकुलेशन करने में डर रहे हैं क्यों? कोई नहीं कर पाया, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट. चलिए मैं करता हूँ. सर एक सेकेंड सर, प्लीज प्लीज सर, लास्ट में सर एरर हो गया था, नहीं तो मैं आंसर अब तक बोल देता. सर सेकंड हो ही रहे सर, एक सेकंड हो गया. व्हाट आई एम सेइंग इज इफ यू आर डूइंग सम मिस्टेक यू मस्ट नोट डाउन दैट मिस्टेक, कि आपने मिस्टेक क्यों की, क्योंकि ये सेम मिस्टेक यू विल डू इन एग्जाम आल्सो. So, उस मिस्टेक को कैसे हटाया जा सकता है, इस पर भी ध्यान दीजिए आप लोग. बस पढ़ते हैं, पढ़ने से जेई नहीं निकलता है, पढ़ के जेई निकालना होता तो बात ही अलग होती. नहीं ऑप्शंस की तो बात ही नहीं है सर, पेपर में ऑप्शन नहीं होगा सर 2023 के लिए. क्यों? ओनली फॉर कोविड बैच. नहीं 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 ऑप्शन तो होगा ही होगा. सर मुझे सर 164.7 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है. नहीं फ्रैक्शन में नहीं लाना था आंसर, आंसर शुड बी ओनली इन द इंटीजर्स. सर डिनोमिनेटर में भी √2 आ रहा है सर. आप उसको ऐसे रहने दीजिए जैसा आ रहा है वैसे ही. आपने एग्जाम में ध्यान नहीं दिया है, ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के आंसर्स होते हैं उसमें फ्रैक्शंस नहीं होते हैं. उस 3/7 आता है तो 3/7 ही लिखते हैं, ठीक है ना? दे डोंट वांट यू टू डू दोज कैलकुलेशन. चलिए मैं बनाता हूं. सो एनर्जी कैलकुलेट करना है, सबका के कॉमन ले लेते हैं, सबका माइक्रो कॉमन ले लेते हैं, सबका माइक्रो कॉमन ले लेते हैं. तो के माइक्रो माइक्रो ये तो मैं कॉमन लिख दूं तो किसी को दिक्कत नहीं होगा. अब शुरू करते हैं. 1 and 2 ठीक है, 2 and 3 ठीक है, 3 and 4 ठीक है, फिर 4 and 1 ओके. क्यों 1 2 2 2 2 3 3 4 4 1 1 3 में आएगा सर √2. 1 3 पे आएगा ना, तभी 1 3 पे जाएंगे तब तो. अच्छा अभी तो 1 3 पे गए ही नहीं. समझा समझा. प्लस 1 3 माइनस 3/√2 फिर 2 4 8/√2 सर √2 कैसे आया नीचे? नेक्स्ट लाइन में टाइटल डिस्टेंस. नो सर, सर √2 कैसे मिला? अरे चार चार्ज है, आपने डायग्राम बनाया है. What is the distance between these two? √2 na sir. Ha. So this is minus 12 plus 5/√2. Now, can you see? Answer is 1, 2, 5 or √2. Okay. Got it, sir. So, together with physics, you should learn many things. How simply I did it.
इफ यू विल डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन गलतियां होंगी, मेरे में कहीं गलती होने का चांस ही नहीं, बहुत कम है, क्योंकि मैंने कहीं कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन किया ही। सारी डिफिकल्टीज इन्हीं के कारण थी, मैंने इनको साइड कर दिया, सबसे पहले साइड में बैठो बाद में देखें। कहां से वो नंबर्स आ गए? एक पेज जबकि सिर्फ दो लाइन का कैलकुलेशन है ना। सर बट विल नॉट गेट मार्क्स फॉर दिस। विच एग्जाम? जेई में ना सर। जेई में? व्हाई? जेई में तो यहाँ टिक मारने का मार्क्स मिलता है, इससे स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा? एक क्लिक पे। बट दे टेल टू सॉल्व अहेड, विल नॉट आस्क। गारंटेड द आंसर विल बी हैव दिस नंबर्स, ऑप्शंस विल हैव दिस नंबर्स। वो फ्रैक्शन में नंबर्स नहीं होते हैं कभी नहीं, मतलब समथिंग पॉइंट समथिंग समथिंग बहुत रेयर केस में होते हैं, या बहुत सिंपल है तो कर लेते हैं, ऐसा होगा तो गारंटेड वो नहीं करेंगे। ठीक है, सो दे डोंट वांट टू चेक वेदर यू आर एक्सपर्ट इन डूइंग कैलकुलेशन और नॉट। कैलकुलेशन करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, सो व्हाई वी नीड टू डू द कैलकुलेशन? ओके, सो वो लोग इजी क्वेश्चन को टफ बनाते हैं। हाँ, इजी क्वेश्चन को टफ बनाते हैं कि दैट टफ सिचुएशन यू मस्ट नो हाउ टू गेट, हाउ टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, डन? किसी को कोई डाउट? चलिए एक सिंपल क्वेश्चन आया। और अब की ध्यान से कीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आता हूं एक मिनट। इंटरनेशनली Anyone got the answer? Minus 1 by 2.
सेकंड का, पहले सेकंड निकाल दिया, चलो बढ़िया था। तो सेकंड का कितना आया? So there are three charges. Minus one at origin, one at 1 meter, and one at 2 meter. So answer kitna hai? Minus one by two what? माइनस वन बाई टू के माइक्रो माइक्रो ठीक चल सही है। ठीक है सो ये सब जो कैलकुलेशन करते समय आप कंजूसी कर रहे हैं ना, ये बहुत फायदा करता है एग्जाम, ठीक है, वहां टाइम सेविंग बहुत हो जाती है। ओके, दे वांट यू टू डू मेन कैलकुलेशन, वो के क्यू क्यू का कैलकुलेशन कभी नहीं करवाना चाहते सर। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है। नहीं, मैथ की बात अलग है, मैथ इज मैथ, फिजिक्स इज फिजिक्स। सर इस बार नीट के पेपर में बहुत ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें न्यूमेरिकल्स ही थे। सो ए सर इसका आंसर, बी वाले का आंसर के यू यू अपॉन ये ना माइक्रो माइक्रो अपॉन टू। हाँ, माइक्रो माइक्रो अपॉन के माइक्रो माइक्रो अपॉन टू। हाँ सर, माइनस साइन, ठीक है। सो बी, हाँ सर समझा सर, माइनस यू। सो देयर आर थ्री चार्जेस, इरेज कम कर दिया, बढ़िया था। वन टू एंड थ्री, हियर इट इज माइनस वन माइक्रोकुलम एंड दिस इज वन माइक्रोकुलम एंड दिस इज आल्सो वन माइक्रो। नाउ क्वेश्चन ए में कहता है कि हाउ मच इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस थर्ड चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पोजीशन। थर्ड चार्ज को सिर्फ लाने में कितना वर्क डन करता है? तो अगर किसी लेट से दिस इज अ बॉक्स, इस बॉक्स में 100 रुपए हैं, ठीक है, आपसे पूछा गया या मुझसे पूछा गया कि बताइए इन्होंने इसमें कितने पैसे डाले, हाउ आई विल चेक। सो मैं कैच करूंगा इनके डालने से पहले कितने पैसे थे और इनके डालने के बाद कितने पैसे थे और दोनों का डिफरेंस। सो थर्ड चार्ज को लाने में कितना वर्क डन किया गया, तो थर्ड चार्ज को पहले साइड कीजिए एंड सी द एनर्जी, कुछ तो एनर्जी होगी। फिर थर्ड चार्ज को लेकर आए तो चेक द एनर्जी एंड द डिफरेंस इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द थर्ड चार्ज। ये फिलोसफी समझ में आई? दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, एवरीवन इज डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, ओके। So whoever is doing small business, वो अपने गल्ले का हिसाब किताब ऐसे रखता है कि सुबह आए थे तो उसमें 200 रुपए थे, शाम तक इतने हो गए, तो दिन भर का बिजनेस ऐसे चलता है। सर गल्ले मत, जिसमें वो पैसे रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। So here also just before third charge, जब third charge को लेके नहीं आए थे तो एनर्जी कितनी थी, बिफोर ओनली कहां गया, ओके। सो बिफोर ब्रिंगिंग थर्ड चार्ज एनर्जी वाज के माइक्रो माइक्रो माइनस वन अपॉन वन था, और जब थर्ड चार्ज को लेके आ गए तो आप ही लोग बता रहे हैं के माइक्रो माइक्रो माइनस वन बाय टू। तो पहले एनर्जी माइनस वन थी, अब माइनस हाफ हो गई, यानी माइनस हाफ और वर्क डन करना पड़ा। सो ए का आंसर हो जाएगा माइनस हाफ के माइक्रो माइक्रो, ठीक है ना? प्लस हाफ नो क्या क्या
प्लस अच्छा हाँ प्लस होगा क्योंकि पहले माइनस वन था बाद में हाफ हो गया तो इसका मतलब प्लस हाफ हमने वर्क किया उससे ठीक है क्लियर कॉन्सेप्ट को समझिए कैसे मैंने निकाला वहां इस कॉन्सेप्ट की मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जितने भी फिजिक्स में यूज हो रहे हैं दोज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स तो सिंपल सा है एक ही फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं लेकिन फॉर्मूले के साथ आपको ढेर सारा डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ रही है और अगेन आई विल से कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट एबल टू सॉल्व फिजिक्स क्वेश्चन जस्ट बिकॉज दे डोंट नो द मैथमेटिक्स फिजिक्स तो आती है मैथमेटिक्स कमजोर मैथमेटिक्स से डर जाते हैं कमजोर मतलब जरूरत तो नहीं थी ज्यादा मैथमेटिक्स की सिर्फ डर जाते हैं ठीक है सो मैथमेटिकल डर को कम कीजिए थोड़ा सा हिम्मत कीजिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की धीरे 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 कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा सो इज इट क्लियर फॉर एवरीवन कि yes, bringing third charge, energy निकाल दिया after bringing third charge हमने energy निकाल दिया और answer आ गया B का answer यही हो जाएगा U final उन्होंने यही पूछा ये so U final will be the answer for B if anyone have doubt I can do it in next detail otherwise anyone so can you do it which part the B बी बी क्यों करें बी तो ऑलरेडी किया हुआ है क्या नेगेटिव आया यू फाइनल तो हमने ए में ही निकाल दिया था बस वही उन्होंने पूछा है कि फाइनल एनर्जी कितनी है सर कैन यू एक्सप्लेन द बी पार्ट अगेन व्हाट व्हाट विच पार्ट टोटल पोटेंशियल एनर्जी यस तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं लास्ट क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था yes. तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल रहे थे वन इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस दूसरा कितना हो जाएगा माइनस वन इंटू वन डिवाइडेड बाय वन तीसरा कितना हो जाएगा मैं शायद गलत कर रहा हूँ वन इंटू वन हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा माइनस वन इंटू वन डिवाइडेड बाय टू सो दिस इज द एनर्जी पहले तो कैंसिल हो जाते हैं तो वही आंसर आ जाता सो बी तो इजी था ए कठिन था कठिन नहीं था बट हाँ थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ रही थी या कि कैसे सोचे तो सीधे सिंपल हो रहा हो जाए चलिए सो एनर्जी कहते हैं इन दिस चैप्टर व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी ऑफ ए चार्ज ओके और चार्ज का सबसे बड़ा एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज आल्सो हैविंग सेम चार्ज बट प्रोटॉन कभी मूव ही नहीं करता इधर उधर आता जाता नहीं है व्हेनेवर something is moving that is electron aur chaliye proton ki bhi baat karte hain story is same so most of the time we will be talking about the charge of electron energy of electron everything for electron okay so jab hum electron ki energy ki baat karte hain to it will be in range of some 10 to power minus 19 okay aur humne shayad ek din aur aapko bataya tha jab hum log dielectric pad rahe the कि डिफिकल्ट नंबर के बारे में सोचना डिफिकल्ट नंबर को याद रखना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है डिफिकल्ट मतलब अगर आपसे कहा जाए 3 × 10⁵, 5 × 6.2 × 10⁹9 हम लोग सोच ही नहीं पाते लेकिन अगर आपसे कहा जाए 12 × 16 तो हम थोड़ा सा जल्दी सोच सकते हैं सो हेयर ऑल्सो दिस थॉट कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो वाई कांट वी मेक द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपल सो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए एक डिफरेंट यूनिट ऑफ एनर्जी बनाया और उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कहा गया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को
एक पोटेंशियल सिंगल पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कराया जाए तो उसकी एनर्जी में जितना चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस न्यू यूनिट वाज कि अब हमें जब भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करनी होती है इट इज ऑलवेज इन अ रेंज ऑफ 0 to 10, 20, 50 or 100 से कम ही होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. और इसका एक एग्जाम्पल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर इन हाइड्रोजन. द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ओके सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 13.6 एक छोटा सा नंबर है तो आपको याद हो गया है. अगर वही आपसे जूल में पूछा जाए कि हाउ मच इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जूल इन हाइड्रोजन एटम पढ़ाया गया होगा. यू कांट से किसे नहीं पढ़ाया गया -10^-19 से मल्टीप्लाई. हाँ उससे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा बट दैट नंबर इज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज. ठीक है सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक नया यूनिट सेपरेट यूनिट बना दिया गया. Whenever we will talk about the energy of electron, it will be convenient to use this unit, electron volt. इसे नोट करने का है. हाँ हाँ नोट करिए. And it is very easy to convert it into joule. 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बिकम जूल. ओके व्हाट इज द एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं और आपको सभी ऑर्बिट्स के एनर्जी पता होने चाहिए सभी के. एक में इलेक्ट्रॉन रहता है ना बट इलेक्ट्रॉन जा तो कहीं नहीं सकता है. जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ा है, पढ़ाया जाएगा पूरा. लाइमन सीरीज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइमन सीरीज. लाइमन बार्मर पास्चन अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी नहीं हुआ है. हो गया तो बताइए सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी. सर एक सेकंड देख के याद रहना चाहिए, देख के नहीं. सेकेंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट तो 10.34 है ना कुछ ऐसा -10.34. नहीं रॉन्ग. चलिए छोड़िए जब याद ही नहीं है तो ये नंबर याद रखिएगा. इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम में एनर्जी ग्राउंड स्टेट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. दिस इज अ वेरी हेल्पफुल नंबर. ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम या ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिजिक्स में मैं भी पढ़ाऊंगा ना सर. रेडियो एक्टिविटी में ना सर वो न्यूक्लियस के चैप्टर 6. ठीक है यस सर. क्या मैंने बोला क्या सर. बी आंसर सर. Energy of electron is -13.6 electron volt. ठीक है. तो आंसर ये है ना सर इसका ये क्वेश्चन का. नहीं सर आंसर सी है. -13.6 into
चलिए थोड़ी उसको बाद में देखें। तो हम लोग कहां थे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। दिस इज जस्ट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। सुनने में वोल्ट लगता है तो पोटेंशियल नहीं है, सुनने में इलेक्ट्रॉन भी लगता है, दोनों को प्रोडक्ट करने पे वो एनर्जी हो जाती है। नेक्स्ट, एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। ये क्वेश्चन यहां होना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों है, तो सॉल्व कर लीजिए। सो दे आर आस्किंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो whenever some system changes its energy, potential energy, its kinetic energy also changes, total energy conserved रहती है, ठीक है ना। सो अल्फा पार्टिकल को अगर हम लोग 200 वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्यू इंटू डेल्टा वी से चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। एंड दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। व्हाट इज द क्यू फॉर अल्फा? अल्फा का क्यू 1.6। अल्फा नहीं पता क्या होता है? हाइड्रोजन पार्टिकल ना सर? नहीं, इट इज हीलियम न्यूक्लियाई ना सर? हीलियम न्यूक्लियस। यस सर, या सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हीलियम के पास कितना, हीलियम न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज होता है? हीलियम न्यूक्लियस पता है ना? सब प्लस टू है ना, एटलीस्ट टॉप 10 एटम्स के बारे में तो पता होना चाहिए। यस सर, टॉप 10 का मतलब 1 से लेके 10 तक। ओके, तो बट स्कूल में तो बोला है टॉप 20 तक। अरे करने को तो स्कूल में और भी याद करने होते हैं, लेकिन 10 तक तो कम से कम याद कीजिए यार, 2 का याद नहीं है आपको। ओके, सो चार्ज इज 2e होगा, 2e, और वो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 200, तो इट इज 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस क्वेश्चन वाज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, पता नहीं कि था, बाय मिस्टेक मैंने डाल दिया है, तो जस्ट बी सॉल्व इट, ठीक है। सो ये आपको समझ में नहीं गया होगा तो जस्ट इग्नोर इट। So, वो annotations clear कर दो ना सर। क्या कैसे पता चला? सर, वो अल्फा पार्टिकल का पता कैसे चलता? नहीं नहीं, आप किस टर्म में पूछना चाहते हैं, पता कैसे चलता? आपने क्योंकि वैल्यू 2e, तो कैसे? हमें कैसे पता चलता है या साइंटिस्ट को कैसे पता चला वाला? नहीं, मतलब कैसे अल्फा में पता चलता है? तो हमें तो याद रखना होगा अल्फा का चार्ज, ठीक है। नहीं, अल्फा का चार्ज नहीं याद रखते, बट अल्फा तो याद होगा ना। व्हाट इज अल्फा? सब बीटा भी याद है, ठीक है ना, कुछ तो है अल्फा। सो अल्फा की एक प्रॉपर्टी बताइए। लेफ्ट हैंड रूल ना सर? नहीं, अल्फा बीटा गामा तो होता है। हाँ बस नहीं थी, चलिए छोड़िए। ये याद करना पड़ता है धीरे धीरे, मतलब कहीं स्पेशली आपको अब नहीं पढ़ाया जाएगा, स्पेशली पढ़ने के लिए वो 9th-10th में ही था, अब 11th-12th में कभी भी अल्फा को स्पेशली नहीं पढ़ाएगा। जैसे मैंने आज एग्जांपल दिया तो आपको थोड़ा सा याद हुआ होगा, फिर से आप भूल जाएंगे, फिर किसी दिन केमिस्ट्री में कोई पढ़ाएंगे। अच्छा, 10 ये इस 10 की मैं नहीं बात कर रहा था, मैं 10 इसकी बात कर रहा था।
हाइड्रोजन हीलियम और टेंथ अबाउट सर इनके भी कैसे ये तो याद कर रट्टा मारना होगा ठीक है केमिस्ट्री तो फिजिक्स में तो थोड़े थोड़े हैं रट्टा मारने वाली चीजें केमिस्ट्री तो 50% से ज्यादा रट डालिए ठीक है पूरा पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक पी ब्लॉक और थोड़ा बहुत डी ब्लॉक याद होना चाहिए ठीक है सो यू आर लैगिंग चलिए सो हम लोगों ने सिंगल चार्ज सिस्टम डबल चार्ज सिस्टम मल्टीपल चार्ज सिस्टम का एनर्जी कैलकुलेट किया ठीक है एंड वी नो हाउ टू कैलकुलेट इट नाउ इफ वी हैव अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कैलकुलेट इट ठीक है इवन जेई एडवांस विल नेवर आस्क अस टू कैलकुलेट इट ठीक है उसको कैलकुलेट करने के लिए कभी नहीं पूछा जाए तो प्रूफ क्या है सर दैट जे एडवांस विल नॉट आस्क इट इट इज अनप्रेडिक्टेबल उनके सिलेबस में लिखा हुआ है सिलेबस कभी पढ़ के देखे हो नहीं सर बट इट्स रिटन ऑन वो पेपर यू कांट प्रेडिक्ट सो सो क्या कह रहे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन उसका कैलकुलेशन करने के बाद द पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज दिस मच ठीक है तो नोट कर लीजिए ठीक है दिस वी विल नॉट कैलकुलेट हाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं नॉट इम्पॉर्टेंट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हमने लिख पाते हैं ठीक है ठीक है सर रुको सर सभी का एनर्जी लिख रहे थे तो हमने सोचा इसे क्यों छोड़ दिया डन डन ऑनलाइन सर 10 seconds सर डन सो दिस वाज फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर मीन्स अंदर भी चार्ज भरा हुआ होता है तो दिस इज फॉर हॉलो स्फीयर स्फेरिकल सेल बट दिस इज इंपॉर्टेंट We will do the derivation for this in next topic, not in this topic. सर फिर उसका भी कर दो ना सर. कर लेंगे जब कोर्स खत्म हो जाएगा. ठीक है. So this derivation we will do in next topic, capacitor, not in this topic. So which topic? Capacitor. चैप्टर इज सेम बट टॉपिक अलग
सर लेकिन वो एनसीईआरटी बुक में लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इज वन चैप्टर. मैं भी तो यही बोल रहा हूँ. सर एक सेकेंड सर, गप्पे करने लगते हो जल्दी जल्दी नोट क्या करो. पेन मस्ट नॉट स्टॉप, स्लो चले पर चलता रहे. हम स्लो नहीं जा रहे सर बाय एनी एंगल. असाइनमेंट सबमिट किए सर? हो गया ना सर. डन. ये पढ़ाया आप लोगों को बैच में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द होल? नहीं सर. नहीं सर, दिस वाज नॉट. या अब तो पांचवा भी शुरू हो गया. पांच बैचेस में पढ़ाता हूँ तो मुझे नहीं याद आता है कि इस बैच में कुछ छूटा है या नहीं छूटा है. ये नहीं पढ़ाया. नो सर. एक्चुअली यहाँ पे मैंने जानबूझ के डाला है स्लाइड. ये पहले पढ़ाना था लेकिन रिमाइंडर के लिए मैंने डाला है. कुछ बैचेस में छूट गया तो मैं पूछ लेता हूँ एक बार. ओके सो दिस इज अ मिसिंग टॉपिक फ्रॉम लास्ट चैप्टर. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा नोट करेंगे सेपरेट वो देख लीजिएगा. नहीं नहीं नोट मत कीजिए इसको, इसको तो डिटेल में पढ़ाएंगे. तो इसके बारे में समझ में आ गया ना, दिस इज अ टॉपिक फ्रॉम लास्ट चैप्टर. सो आप अपनी तरफ से नोट कीजिएगा कहां है ध्यान. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए होल on charged ठीक है. तो अगर हमारे पास कोई charged sphere हो, so hollow sphere, और उसमें एक बहुत ही fine hole कर दिया जाए. okay fine hole means बहुत ही समझ गया narrow hole. so if someone will ask what will be the electric field at the center of that hole. Okay, so let's see how we can calculate it. So let's assume that this is the sphere. Okay, ये कोई दिक्कत नहीं है ना, sphere बड़ा है तो थोड़ा सा ही दिखता है. So there is a small hole. थोड़ा बड़ा ही करते हैं जस्ट फॉर कन्वीनियंट. ठीक है. एंड दैट पीस विच बी रिमूव फ्रॉम दिस पार्ट इज हियर. ओके नाउ there are two points very 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 close to these two, this close to this surface. Okay, how much will be the electric field at these two points? So electric field ke liye aapne padha tha, if we have a surface, plane surface, the electric field near the surface will be sigma upon 2 epsilon naught. Clear? Along outward,
at this point it will be same. Electric field will be sigma upon 2 epsilon naught. ठीक है. Now let's come to this. This is a hollow sphere. So what is electric field inside hollow sphere? Zero. And what is electric field outside hollow sphere? बोलिए नहीं आता. K Q upon R square. ओके ठीक है. इसको थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं. तो Q डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख सकते हैं. 4 पाई R स्क्वायर इज द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया. तो चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा डिवाइड बाय. सो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पता है. यहां भी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पता है. यहां आई वॉन्ट टू डू कैलकुलेशन फॉर सेंटर पॉइंट, बट सेंटर पॉइंट के लिए हमें ना ही यहां कुछ मालूम है ना ही यहां कुछ मालूम है, तो यहां पता करना मुश्किल है. सो वट आई विल डू कैलकुलेशन फॉर इनसाइड पॉइंट, आई विल डू कैलकुलेशन फॉर आउटसाइड पॉइंट. और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक 6 है तो सडनली 5 टू 6 हो जाएगा, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है. सर आपने जॉइंट क्यों बोला सर? क्या आपने जॉइंट क्यों बोला? जॉइंट ये जॉइंट है क्यों? वो क्यों होगा? सो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लेट्स अज्यूम इट इज इवन, एंड बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स अज्यूम इट ई टू. ठीक है, मैंने मान लिया. नाउ इफ आई विल एड दीज टू अगेन I must get this. किसी को कोई डाउट? ये तो कौन सा वापस? कौन सा पार्ट? Yes, sir. Explain this again. Which part? You can't say everything. Which part? सर थोड़ा डिटेल में जाना. Small part, part का ही टुकड़ा है ना, तो वो क्यों नहीं आ सकता? E1 के जगह E equals to sigma upon 2 epsilon naught क्यों नहीं आ सकता? उसका ही पार्ट है ना वो. पहले इन लोगों का पता नहीं क्या समझ में नहीं आया. इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है, आपको नहीं समझ में आया? समझाओ वापस. तो क्या नहीं समझा ये तो बता दीजिए, अदरवाइज डोंट आस्क दिस क्वेश्चन कि सर एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड नाउ वी आर सेइंग कि समझ गया. ठीक है ना, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो द डाउट, डोंट जस्ट से कि सर फिर से समझाओ एवरीथिंग. एप्सिलॉन नॉट है, देयर आर थ्री थिंग्स. तीनों का अलग अलग मैंने एक्सप्लेन किया, नॉट अ सिंगल पर्सन इन द वर्ल्ड कैन से कि मैं तीनों एक साथ एक्सप्लेन कर सकता हूँ. तीनों अलग अलग ही एक्सप्लेन होगा. ठीक है ना? सर मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला सर. तो आप बता ही नहीं रहे विच पार्ट, दिस वन और दिस वन? सर साइड का E1 E2 वन. कौन सा सर? वो E1 E2 जो आपने पढ़ाया ना, पार्ट लिया है एक अलग से, वो वाला नहीं समझ में आ रहा. मिडिल फिगर का? हाँ सर. ओके, सो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा कि वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट, बट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट वी मस्ट हैव सम इंफॉर्मेशन, बट वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल चेक कि उसके जस्ट बगल वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. ओके, नेबरिंग पॉइंट्स पे हम कैलकुलेशन करेंगे. सो हमने दोनों नेबर पॉइंट्स पे कैलकुलेशन करने का डिसीजन लिया है. ठीक है, और सर आपने वो पार्ट क्यों निकाला बाहर, वो शेल का, वो थोड़ा समझाओ ना. क्यों निकाला? निकालने के बाद ही आई वांट, विदाउट रिमूविंग दैट पार्ट इज इट पॉसिबल टू मेक अ होल? दैट इज द टॉपिक हेडिंग. ओके, सर क्यों सेकंड में आपने होल ड्रॉ किया, फर्स्ट में क्यों नहीं किया? पहले होल नहीं था, उसी में तो होल करके मैंने उसको रिमूव किया तो होल बना. फर्स्ट वन इज द ओरिजिनल सेल, उसमें मैंने होल किया तो सेकंड डायग्राम बना, प्लस ये जो होल करने के लिए मैंने छोटा सा टुकड़ा तोड़ा है वो अलग से है.
So ये we do this via the lenses. Lenses कहाँ? So मतलब माइक्रोस्कोप. Where is microscope? Okay, so we have a sphere. उसमें मैंने होल किया और होल करने के बाद जो रिमूव्ड पार्ट है उसका भी ड्राइंग बनाया, ठीक है. एंड फॉर एवरी बैकग्राउंड मैंने इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, ठीक है. नाउ फॉर इनसाइड, अगर मैं डायग्राम दिस होल द स्फीयर विद होल एंड दिस रिमूव्ड पार्ट, इन दोनों को फिर से मर्ज करूं तो आई मस्ट गेट दिस, क्योंकि मैंने इसी को तोड़ के ये दोनों बनाया. ओके, तो दोनों को कंबाइन करता हूं तो फिर से ये मुझे मिल जाएगा. ओके, सो आई कैन राइट, आई कैन राइट अ इक्वेशन दैट जीरो इज इक्वल टू ई वन प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस के डायरेक्शन में, इसलिए मैंने उसको माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट लिखा है. सो एक्सप्लेन इट अगेन टू दिस पार्ट. दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, इज इट क्लियर? यस, बस यही मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है. तो इससे इवन कितना आ जाएगा? तो लेकिन माइनस क्यू है क्योंकि वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है. तो किसी एक तरफ को पॉजिटिव, किसी एक तरफ को माइनस नेगेटिव लेना पड़ेगा. ठीक है, इसी तरह आउटसाइड का भी कैलकुलेशन करते हैं. सो फॉर आउटसाइड ये क्या था, और इनसाइड पॉइंट, और आउटसाइड पॉइंट क्या हो जाएगा, अब ऊपर कर दे सबको समझ में आ रहा होगा. और आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट के लिए प्लस दैट सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, नो, शुड बी इक्वल टू जीरो. हाँ, इसका भी डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है, डायरेक्शन जरूरी. सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या क्या, ई टू प्लस टू बाय टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. सो यहां से ई टू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आ गया. तो E1 कितना आया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव, E2 कितना आया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव. तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेम ही होगा, ऑपोजिट होता तब कह सकते थे कि डिफरेंट हो, ठीक है. सो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट होल will be whole will be sigma by 2 kya ho gaya. So did you take the magnitude? Aapki awaaz aadhi aayi aadhi nahi. But did you take the magnitude with direction, taking care of direction? Magnitude to hamesha lete hain, but always we need to take care of directions. So sir, aapne positive kyun liya sir? Which one? At whole sir. So dono to positive hi aaya. To agar repel nahi hoga kya?
रिपेल क्या होगा? सब पॉजिटिव है ना दोनों? पॉजिटिव इज इट पॉसिबल टू हैव ए नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड? उसका डायरेक्शन नेगेटिव होता है ना कि वो खुद नेगेटिव होता है, ठीक है? Then what is the reason you have drawn those three arrows? That is equivalent. Equal to? This diagram is equal to this and this. इसी डायग्राम पे होल करके मैंने ये दोनों बनाया ना. Resultant. Resultant is not a good word. ठीक है, अगर दोनों का combine करेंगे तो this is the resultant. ठीक है. So can you scroll just down a little bit? ठीक है, so electric field at the hole is this much, sigma by 2 epsilon naught. Now, वो जो hole करने के लिए छोटा सा part remove किया था, remove करने के बाद उस location पे कितना electric field है? Middle पे sigma by 2 epsilon naught. ठीक है, तो फिर से लिख देते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एट होल से भी सी मैं फिर से बस लिख रहा हूं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन वो स्मॉल पार्ट जो वहां से रिमूव किया गया है, तो छोटा सा पार्ट था जिसको हम रिमूव किए थे, उस पे चार्ज कितना होगा? दैट विल बी सिग्मा इनटू उसका एरिया. दैट इज ऑलवेज व्हाट इज चार्ज सरफेस का ही रूल होता है, सिग्मा इनटू उसका एरिया. दैट इज वेरी स्मॉल, सो डीए लिखा है इसके लिए. ठीक है, किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर लेकर आते हैं तो उस पे फोर्स कितना लगता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो उसको फिर से लेकर आइए होल के पास. So, force on small part जब वो होल के पास था, force on small part कितना हो जाएगा? इन दोनों का product ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं. हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी. ठीक है, क्लियर? तो सिग्मा स्क्वायर कैसे सर? मल्टीप्लाई करके, दो दो सिग्मा है ना. समझा, देखा नहीं सर उस सिग्मा को. ठीक है, एंड इट इज डी ए एक्स और डी ए इनटू DA into, that is into. ठीक है, हाँ निकालना क्या चाहते हैं? प्रेस सर. तो व्हाट फुल फॉर्म ऑफ DA? स्मॉल एरिया. हाँ? प्रेशर काम आएगा, बाकी सब नहीं आएगा. प्रेशर ऑन स्मॉल पार्ट. The why always small part? That is the heading of the topic. कि वहाँ से एक hole बनाया गया. Hole बनाने के लिए बड़ा part तो remove करेंगे तो sphere ही गायब हो जाएगा. छोटा सा ही हटाते हैं ताकि sphere complete रहे. Okay, so pressure on a small part will be how much? Force divided by area. प्रेशर का इतना फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना. सो फोर्स हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट डीए डिवाइड बाय डीए. सो डीए डीए कैंसिल एंड इट विल बी हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय. ठीक है,
ओके ये सब प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है जब हम फोर्स पता ही था फोर्स वाज फंक्शन ऑफ एरिया सो फोर्स वाज नॉट कांस्टेंट इट वाज चेंजिंग लेकिन प्रेशर देखिए इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं बचा एक्सेप्ट सिग्मा ठीक है एक्सेप्ट सिग्मा देयर इज नो वेरिएबल सो फॉर अ गिवन एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट इज नॉट वेरिएबल इट्स अ कांस्टेंट सो एक्स सिग्मा कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया ओके सो दैट्स व्हाई प्रेशर इज मोर इंपॉर्टेंट कांस्टेंट टर्म्स मतलब नॉट कांस्टेंट बट लेस वेरिएबल टर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो कम से कम वेरी करे या कम से कम फैक्टर्स पे डिपेंड करे डन सर डन या ये छोटा सा टॉपिक पिछले चैप्टर का बचा हुआ था डन हाँ डी ए बाय डी ए ऑनलाइन एवरीवन डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है बताइए रेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन माय लैंग्वेज बाकी ओरिजिनल लैंग्वेज में बोर्ड पे लिखा हुआ है और ये डेफिनेशन भी आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे नाइन्थ या टेंथ में इलेक्ट्रिक चैप्टर में पढ़ाया जाता है Can you explain? पहले नोट कर लीजिए आर्बिट्रीली मतलब एक तरह से क्या कहें रैंडम टाइप हाँ नॉट सीक्वेंस तो बहुत थोड़ा सा अच्छा वर्ड हो गया नॉट इन एनीथिंग मींस कोई रूल नहीं फॉलो कर रहा है ओके और आर्बिट्रीली मतलब तो फिर तो एकदम सर्कल में होना चाहिए आर्बिट्री उतनी अच्छी अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं हमारे यहाँ इंग्लिश अलग होती है
ओके सो इन द लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हमने बताया था कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. ओके, दिस टाइम वर्क डन रिक्वायर्ड टू यूनिट, सॉरी, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट चार्ज, एक वैल्यू के चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आने में जो वर्क डन करना पड़े उसका नाम पोटेंशियल हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो दैट इज एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज, क्योंकि हमने कितना लेकर आए हैं, यूनिट चार्ज लेकर आए हैं इस बार. ओके, सो डेफिनेशन इज सेम. हाँ, सो अगर आर्बिट्री कोई भी वैल्यू का चार्ज उठाकर ले आए, सो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन अगर आप सिर्फ वर्क करना सर जो अभी आपने बताया था, हाँ, सो किसी भी चार्ज को लेकर आएंगे इंफिनिटी से, तो जितना वर्क डन करना पड़े दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. बट इफ यू विल ब्रिंग ओनली यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट, इस टाइम पे जितना वर्क डन करना पड़े दैट वर्क डन विल बी पोटेंशियल. वो पोटेंशियल एनर्जी भी है, बोथ विल बी सेम. ओके, सो यूनिट चार्ज सेम, पिछली बार भी समझाया था आपको कि इफ यू आर परचेजिंग 10 पेन, सो आपको वो पूरा पैकेट का प्राइस लगेगा, लेकिन सिंगल पेन का प्राइस इज कॉल्ड द रेट ऑफ थिंग. सो यहां भी सिंगल अमाउंट ऑफ चार्ज को ब्रिंग करने में जो एनर्जी खर्च होता है, दैट एनर्जी इज द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट जहां हम उसको रखेंगे. ठीक है, पोटेंशियल इज ऑल्सो स्केलर, एनर्जी स्केलर है तो उसका रेट भी स्केलर ही होगा. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय वी और वी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. अगर आप गलती से वन यूनिट का लेके जगह दो यूनिट का चार्ज लेकर आ गए, नो प्रॉब्लम, जस्ट डिवाइड इट बाय टू. ठीक है ना, सो वॉट एवर यू हैव ब्रिंग ब्रॉट दैट चार्ज, उस चार्ज के वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए अपने वर्क डन को, यू विल गेट पोटेंशियल. ओके, सो पोटेंशियल इज टोटल वर्क डन डिवाइड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज. सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज पोटेंशियल. ठीक है, एनर्जी था तो उसमें सब डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि एनर्जी का यूनिट आपको पता है, डायमेंशन पता है, सब पता होता है पहले से. पोटेंशियल यूनिट इज जूल पर कूलम्ब होगा, डिवाइड बाय इज आल्सो कॉल्ड वोल्ट. ठीक है, इलेक्ट्रिक में ही समस्या है कि हर यूनिट फिर से किसी ना किसी साइंटिस्ट के नाम पे एक और यूनिट बना दिया गया. तो जूल पर कूलम्ब इज वोल्ट. बट व्हाई डू द साइंटिस्ट उनके नाम पर ही यूनिट है सर रखे गए हैं इसमें, why you can't ask why sir, as a respect, no, like, हाँ, as a respect और ठीक है, respect is okay, respect तो ऐसे भी दे सकते थे, but mainly होता है कि हम उनको भूल ना जाएं. ठीक है, डन. डायमेंशन,
आई डोंट थिंक कि किसी को याद रहेगा. यस सर. डायमेंशन याद करना किया भी नहीं जाता है. आसार करना पड़ता है. ओके बट दे विल आस्क द डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड और मे बी दे विल नॉट आस्क बट व्हाइल सॉल्विंग सम क्वेश्चन यू मे नीड द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल. ओके और द रूल इज सिंपल नो नीड टू मेमोराइज ऑल दीज डायमेंशन. डायमेंशन सभी के नहीं याद किए जाते बट यू मस्ट ऑलवेज मेमोराइज हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एवरीथिंग. फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटी यू मस्ट लर्न हाउ टू फाइंड द डायमेंशन. मीनिंग यू आर ट्राइंग टू सी द मेथड. सो डायमेंशन वोल्टेज का पता करने के लिए क्या करेंगे जूल डिवाइड बाय कूलम. सो एनर्जी का डायमेंशन डिवाइड बाय चार्ज का डायमेंशन और एनर्जी एंड फोर्स दीज फॉर दीज टू फिजिकल क्वांटिटी यू मस्ट मेमोराइज द डायमेंशन. ठीक है ना. बाकी का डायमेंशन याद होना हो एनर्जी एंड फोर्स का जरूर याद होना. सो एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और चार्ज का ए इंटू टी. ठीक है बाकी कैलकुलेट करके निकाल लेंगे. सो डायमेंशन सिर्फ सिंपल सिंपल फंक्शंस के याद किए जाते हैं सिंपल सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज के याद किए जाते हैं नॉट फॉर ऑल. ये एनर्जी है यू लिखना चाहिए था मैंने यू लिख दिया. देन सो डायमेंशन आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा. डायमेंशन वोल्टेज का जब भी पूछा जाए पोटेंशियल का तो निकालना पड़ेगा आपको हर बार. एक लाइन का होता है बहुत ज्यादा नहीं टाइम लगता है. बनाइए सिंपल सा क्वेश्चन. पोटेंशियल इज ऑलरेडी गिवन. वर्क डन पूछा गया है. चार्ज इज गिवन. सो जो फॉर्मूला अभी अभी लिखा है उसमें तीनों की वैल्यू दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए. 10 टू द पावर 4 है. अच्छा ये 10 टू द पावर 4 है. दिस 4 इज 10 टू द पावर 4 वोल्ट. 4 नीचे चला गया. थ्री पॉइंट टू कहां से आ गया सर. 2 × 10⁻². नो 2 × 10⁻². ये 3.2 किधर से आया सर. 4 है माइक्रो. तो माइक्रो तो 6 × 10⁻⁶ होगा. उसमें 3.2 किधर से आएगा. सो फॉर्मूला फॉर्मूला क्या लिखा पोटेंशियल दिया है. वो तो पोटेंशियल है. ओके डन सर. डन. पोटेंशियल डिफरेंस सेम. मूविंग वन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इंफिनिटी से लेके नहीं आना है. अगर किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक मूव किए यूनिट चार्ज सो दैट इज कॉल्ड द वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. सर पहले वाले केस में हम लोग जहां से ला रहे थे वहां का पोटेंशियल नहीं ले रहे थे और यहाँ पे अब ले रहे हैं. नहीं 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 पिछली बार जहां से ला रहे थे वहां का पोटेंशियल जीरो था. हाँ इन्फिनिटी से. हाँ तो डिफरेंस विल बी इक्वल टू द वैल्यू. तो मतलब इस बार कहीं फिक्स डिस्टेंस से ला रहे हैं हम लोग. हाँ आपकी हम किसी पॉइंट किसी नोन पॉइंट से लेकर दूसरे नोन पॉइंट तक ला रहे हैं. समझा सर. ठीक है ना.
डन तो फॉर्मूला यहाँ भी वही W अपॉन Q ही रहेगा, लेकिन W की कंडीशन बदल जाती है क्योंकि इंफिनिटी से नहीं ला रहा है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। क्लास इज ओवर, क्लास ओवर, टाइम हो गया। यस सर, चलिए क्लास इज ओवर। हाँ फॉर्मूले टेस्ट होगा नहीं न्यूमेरिकल्स नहीं, फॉर्मूला राइटिंग जैसा दिखता है स्लाइड पे, फॉर्मूला राइटिंग रट्टा मारना है, फुल रट्टा। अभी पिछला काल है, फिर ये चैप्टर का भी होगा। पिछला कल मतलब फॉर्मूला लास्ट चैप्टर का टेस्ट है ना सर, मंडे को टेस्ट होगा, नेक्स्ट क्लास जब भी हो मंडे को है। ठीक सर, एक डाउट है। व्हाट इज द डाउट सर? वीबी माइनस वी ए मतलब डब्ल्यू अपॉन क्यू ए माइनस डब्ल्यू अपॉन क्यू बी, ऐसा ना? ना नहीं, अच्छा सर समझा, मैं खुद ही समझ रहे हैं दोस्तों। दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल। यस सर, हां समझा समझा। तो ए से बी तक गए, समझा सर। सर लिख लिया, अभी जा सकते हैं क्या लेक्चर से? हां हां ठीक है, बाय सर। अपना जरूर याद करके आइएगा। हां सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, हैव अ गुड डे सर। Bye sir, have a good day. Bye sir, thank you. Stop recording.